Well friends, today we will study about a poem, A Lecturer Upon the Shadow, composed by John Donne. आज हम John Donne के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता A Lecturer Upon the Shadow को एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे। ये कक्षा 12th इंग्लिश लिटरेचर की पहली पोइम है और पोइम थोड़ी बड़ी होने के कारण इसको दो या तीन पार्ट्स में हम बांट कर पढ़ेंगे। पहला पार्ट्स है जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड स्टेंजा हम ले रहे हैं। व्हाट डज द पोएट सेज, व्हाट द पोएट सेज इन द टू स्टेंजास, ये आज हम आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑल ऑफ हम थोड़ा John Donne और कविता के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। John Donne कंपोज दिस पोएम, इट इज वेरी रेनाउंड मेटाफोरोलॉजिकल पोएम। इन दिस पोएम द पोएट इज एड्रेसिंग हिज बिलव्ड, हियर हिज बिलव्ड इज सिंबॉलिक ऑफ गॉड, he is narrating his love story. The poet wishes that his beloved should love him sincerely. Her love for the poet should not be false. Her love should be lively and not go towards west as the sun sets. It means that her love should not decrease with the passage of the time. True love is immortal and it is neither diminishes nor ends. True love is beyond time, location and circumstances. So this is the about the poem. यहाँ देखिए, poet दो lovers के बारे में बता रहा है कि उनका प्यार किस तरह से शुरू होता है और फिर वो कैसे पीक पॉइंट पर पहुँचता है, और यदि पीक पॉइंट पर पहुंचने के बाद में वो उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। तो हियर लेक्चर अपॉन द शैडोज, शैडोज मींस हियर, वैसे शैडोज का होता है परछाई, लेकिन शैडोज मींस हियर डिफरेंसेस, अर्थात मतभेद या डिफरेंसेस होता है शैडोज का मतलब। तो देखिए, शुरू में जब दो प्रेमी आपस में प्रेम करना शुरू करते हैं, when they start their love, जब उसकी प्राइमरी स्टेज होती है, इन्फेंट्री स्टेज होती है, तब उनमें देर आर सम डाउट्स, उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, डाउट्स होते हैं, लेकिन बाय देयर गुड प्रैक्टिस दे मेक अप देयर डिफरेंसेस, उन डिफरेंसेस को वो कम कर लेते हैं और धीरे धीरे वो उनमें एक रूपता आ जाती है। जैसे कि मॉर्निंग, यहाँ पोइम को तीन भागों में बांटा है, मॉर्निंग टाइम, नून एंड आफ्टरनून। मॉर्निंग का अर्थ होता है शुरुआत, नून जब सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है तो ये पीक पॉइंट होता है, तो मॉर्निंग इज कंसिडर्ड एज ए बिगिनिंग टाइम ऑफ द लव एंड नून इज कंसिडर्ड द पीक पॉइंट ऑफ द टाइम। और इवनिंग टाइम, जैसे संध्या हो जाती है, सूर्य ढल जाता है, वेस्ट की तरफ चला जाता है, तो वो उसका एंड हो जाता है। तो कवि यहाँ कहता है कि हमें हमारे प्यार को हमें रिटेन करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, और उसे हमें वेस्ट साइड में, टुवर्ड्स वेस्ट जो है उसको नहीं जाने देना चाहिए, उसको मेंटेन कर लेना चाहिए। अगर हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो वो टूट जाता है। तो यहाँ द पोएट इज एड्रेसिंग हिज बिलव्ड, इन द ओपनिंग स्टेंजा पोएट इज एड्रेसिंग हिज बिलव्ड, उनको कहता है कि देखिए, स्टैंड स्टिल, the poet here addresses his beloved and asked her to stand still. उससे कहता है कि stand still, तुम एकदम शांत रूप से खड़ी हो जाओ, and I will read to thee, और मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगा, a lecturer, मैं तुम्हें एक lecture दूंगा। poet कहता है कि तुम शांत खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें एक lecture दूंगा, किस पर, on love, love पर।
एंड इन लव फिलोसफी, लव की क्या फिलोसफी होती है, व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ द लव, पॉइंट वन टू पॉइंट वन टू डिस्क्राइब दीज आइडियाज टू इज बिलव्ड, अपनी बिलव्ड को पॉइंट प्रेम के बारे में एंड अबाउट द फिलोसफी ऑफ द लव के बारे में डिस्क्राइब करना चाहता है. ही वांट टू गिव हिम ए लेक्चर, लेक्चर वो उसको एक भाषण देना चाहता है किस पर, ऑन लव एंड ऑन द लव फिलोसफी. तो देखिए इन द ओपनिंग टू लाइंस द पोइट आस्कड और एड्रेसेस हिज बिलव्ड एंड टू स्टैंड स्टिल एंड ही विल मेक ए लेक्चर ऑन लव एंड ऑन लव फिलोसफी. वो प्यार और प्यार के दर्शन पर उसको एक व्याख्यान देना चाहता है. और आगे की लाइनों में कहता है दीज थ्री आवर्स दैट वी हैव स्पेंड, दीज थ्री आवर्स दैट वी स्पेंड, ये तीन घंटे जो हमने साथ साथ व्यतीत किए हैं, अर्थात इट इज द बिगिनिंग टाइम ऑफ द लव एंड दे स्पेंड थ्री आवर्स, ये मॉर्निंग के तीन घंटे या शुरुआत के बिगिनिंग ऑफ द लव टाइम के तीन घंटों में डिस्कवर किया गया है कि हमने साथ साथ व्यतीत किए हैं. These 3 hours that we have spent walking here, तो यहाँ घूमते हुए टहलते हुए हमने ये तीन घंटे व्यतीत किए हैं, अर्थात एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे से प्यार करते हुए उन्होंने तीन घंटे यहाँ व्यतीत किए हैं. Shadows when, और उसके साथ it is the morning time, जब morning time होती है तो shadows जो परछाई होती है हमारी वो दूर तक दिखाई देती है. इन द मॉर्निंग टाइम शेडो जो है वो दूर तक दिखाई देती हैं, वो दूर चली जाती हैं, लेकिन एज द सन रोज अप, जैसे सूर्य ऊपर उठता है, इट बिकम रिड्यूस, वो थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती हैं, अर्थात इन द बिगनिंग टाइम देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन द लवर्स, शुरू में दोनों प्रेमियों के बीच में कुछ शेडोज थे, डिफरेंसेस थे, मतभेद थे, बट बाई एंड बाई वेट दे ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं एंड उनको रिड्यूस कर लेते हैं, शेडोज को, उन डिफरेंसेस को कम कर लेते हैं. तो कहा कि तीन घंटे जैसे हमने यहाँ साथ साथ घूमकर व्यतीत किए, एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे से प्यार करते हुए, और उस समय हमने एक शेडोज बनी हमारी, अर्थात शेडोज लंबी थी, दूर तक थी, और धीरे धीरे वो शेडोज कम हो गई, अर्थात What the differences were between them, they come to shorten, वो थोड़े कम हो गए. Walking here two shadows went along with us, which we are ourselves produced. और उन shadows को हमने बनाया था. They produced these shadows while they were walking there. जब वो साथ साथ घूम रहे थे तो वो shadows भी उन्हीं के द्वारा बना गए थे और एक दूसरे को समझने का प्रयास किया. तो दिस इज द ओपनिंग स्टेंजा ऑफ द पोइम. इसमें कवि ये कहना चाहता है कि देखो अपनी प्रेमिका से वो कह रहा है कि तुम खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें एक भाषण दूंगा प्यार पर और प्यार की फिलॉसफी पर, और मैं आपको उसके विषय में समझाऊंगा. दीज थ्री आवर्स दैट वी हैव स्पेंड, ये समय जो हमने साथ साथ रहकर व्यतीत किया है, एक दूसरे को समझ कर हमने व्यतीत किया है. वॉकिंग नियर टू शैडोज वेंट, और उस समय हमारी मॉर्निंग टाइम में दो लंबी लंबी शेडोज थी, जो अब जैसे सूर्य अर्थात ऊपर रोज अप हुआ है या जैसे टाइम थोड़ा आगे बढ़ा है, उन शेडोज को हमने शॉर्टन कर लिया, छोटा कर लिया, अर्थात व्हाट द डिफरेंसेस वर बिटवीन अस, नाउ दे आर शॉर्टन, अब वो कम हो गए हैं, अर्थात हमने एक दूसरे को समझा है और ये सब कुछ हमने किया है. अलोंग विद अस बीच वी आर अवर सेल्फ प्रोड्यूस, ये सब कुछ हमने उत्पन्न किया है, शैडोज को शॉर्टन करना या शैडोज को उत्पन्न करना ये हमारे द्वारा ही किया गया है. बट इन द सेकंड स्टेंजा इट वाज द बिगिनिंग टाइम ऑफ द लवर्स, व्हाट डू दे डू, वो क्या करते हैं शुरू में, ये इसके विषय में बताया है. एंड द लेक्चर द पोएट इज गिविंग ए लेक्चर टू हिज बिलव्ड about the love and love philosophy, how they spend the morning time,
how there were shadows in the morning time and how they shortened them by understanding each other. एक दूसरे को समझ कर कैसे उन differences को उन shadows को उसने shorten किया, छोटा किया, कम किया. In the second stanza, but now the sun is just above our head. In the first stanza, it was the morning time. In the second stanza, now the sun is just above our head. अब सूर्य हमारे सर के ऊपर है, अर्थात अब दोपहर का, इट इज मॉर्निंग टाइम एंड इट इज नून टाइम. नून टाइम का अर्थ क्या होता है, जब सूर्य जैसे ही दोपहर में अपने पीक पॉइंट पर पहुंच जाता है, सबसे ऊपर पहुंच जाता है, और उस समय हमारी शेडो जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, बिल्कुल शॉर्टन हो जाती हैं, या वो दिखाई तक भी नहीं देती हैं. अर्थात व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन द लवर्स, जो पहले जो डिफरेंसेस थे वो अब उन्होंने समझ के उनको शॉर्टन कर लिया है. एंड नाउ देयर लव इज एट द पीक पॉइंट, अब उनका जो प्रेम है वो अपने पीक पॉइंट पर पहुंच गए हैं, चरम सीमा पर पहुंच गए हैं. ये पहला स्टैंजा है, इसमें लव जो उनका बिगनिंग पॉइंट था और धीरे धीरे किस तरह से वो अपने प्यार को आगे बढ़ा रहे थे, अंडरस्टैंडिंग बाई ईच अदर. नाउ इन द सेकेंड स्टैंजा, बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, अब सूर्य हमारे सर के ऊपर है, अर्थात सूर्य अपने पीक पॉइंट पर है. इसी तरह से हमारा प्रेम भी अब पीक पॉइंट पर है. देर आर नो शेडोज, वहां अब शेडोज नहीं है, दोपहर में शेडोज हमें दिखाई नहीं देती हैं, बिल्कुल कम हो जाती हैं. मीन्स देयर डिफरेंसेस, देयर जो डिस्प्यूट या जो भी डिफरेंसेस थे, मतभेद थे, दे हैव कम टू एन एंड, उनका अंत हो गया है. नाउ देयर लव इज एट द पीक पॉइंट, दे लव ईच अदर सिंसियरली, अब वो एक दूसरे से सिंसियरली प्रेम करते हैं. वी डू दोज शैडोज, इन द नेक्स्ट लाइन वी डू दोज शैडोज फेड, फेड का तो था वॉक ओवर, कुचलना, उसके ऊपर चलना. वी डू दोज शैडोज फेड, अब हम उन शैडोज को कुचल रहे हैं. फेड का मतलब वॉक ओवर, फेड का मतलब वॉक ओवर, ऊपर से चलना. क्योंकि जब दोपहर में शैडोज हमारी बिल्कुल पैरों के पास में आ जाती हैं, वो लंबी नहीं रहती हैं, अब हम उनको पैरों से कुचल रहे हैं. अर्थ ये है कि जो भी डाउट थे उनको हमने कुचल दिया. नाउ आवर लव इज एट द पीक पॉइंट, वी डू दोज शैडोज थ्रेड, अब हम अपने पैरों से उन शैडोज को कुचल रहे हैं, अर्थात दबा रहे हैं. देर आर नो शैडोज नाउ, कि अब कोई शैडोज नहीं है. मीन्स देर आर नो डिफरेंस, देर आर नो डाउट्स बिटवीन अस, अब उनके अंदर कोई भी डिस्प्यूट या डिफरेंसेस नहीं है. वो एक दूसरे से, एक दूसरे को समझकर और एक दूसरे से प्रेम करते हैं. देयर लव इज एट द पीक पॉइंट नाउ एंड देयर आर नो डाउट्स, नो शैडोज, नो जो है उसमें कोई भी इस तरह की बात अब नहीं रही है जिसमें कोई शंका हो, कोई डाउट हो, और उनका प्यार जो है वो पीक पॉइंट पर है. एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर reduced, and to brave clearness, all things are reduced. और ये सब कुछ कैसे कम हुआ? How they reduce their doubts? How they reduce their जो उनके बीच में मतभेद थे, उनको उन्होंने कैसे किया? अपने सफाई से, अपने बहादुरी से, अपने चतुराई से. And to brave clearness, all things are reduced. ये सारी चीजें हमने अपने बहादुर से, अपने चतुराई से हमने कम किया है. अर्थात इन द बिगनिंग टाइम ऑफ द लव देर वर सम डाउट्स बिटवीन देम, देर वर सम डिफरेंसेस बिटवीन देम, बट नाउ दे हैव रिड्यूस्ड देम. द शैडोज इज अंडर देयर फीट, दे आर ट्रेडिंग द शैडोज, देर आर नो डाउट्स बिटवीन देम. नाउ दे आर एट द पीक पॉइंट ऑफ देयर लव एंड दे लव ईच अदर, एंड नाउ देयर लव इज at the peak point, their love is very sincere. अब उनका प्यार बड़ी sincerity से है. There are no doubts between them, there are no differences between them, and their love is at the peak point. And this was done by themselves with their bravery and clearness efforts. उनके प्रयासों से और ये सब कुछ हुआ. And the, what were the doubts were there between them? What were the differences were between them? They reduced them, they decreased them by their good efforts and brave efforts and with their clarity.
तो देखिए इस तरह से जो है वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज इस पोइम का या द पोएट वांट्स हर बिलव्ड टू लव हिम सीरियसली सिंसियरली। प्रेमी जो है वो चाहता है कि उसकी जो प्रेमिका है वो उससे बिल्कुल सिंसियरली लव करे। देयर शुड बी नो डाउट बिटवीन देम, देयर शुड बी नो डाउट बिटवीन देम, देयर लव शुड बी क्लियरली प्योर सिंसियरली। तो इस तरह से देखिए ये मैंने आपको दो स्टेंजास आपको पढ़ाए। अब नेक्स्ट स्टेंजास है वो सेकंड पार्ट में आएगा। मैं सोचता हूँ आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक्स।